नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह योग है आपकी राशि के लिए, वो जो अगर आपके कुंडली में है तो फिर आपका खुद का घर होना, खुद का मकान होना, खुद का बंगलो होना या फिर फ्लैट होना, ये जो आपका सपना है वो प्रत्यक्ष रूप में आ सकता है। उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए खुद का घर मकान या फिर बंगलो होना ये कब मतलब पॉसिबल हो सकता है, कौन से ऐसे ग्रह योग जिसके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि खुद का घर होना माने क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या होते हैं। देखिए, हम आपने कई बार देखा होगा कि कई ऐसे जो लोग होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, लेकिन उनका खुद का घर नहीं होता। बहुत सारी मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि खुद का घर हो, एम्बिशन होती है, महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन वो खुद का घर नहीं होता। लेकिन ऐसे और बहुत सारी मेहनत करते हैं खुद का घर, और ऐसे भी मैंने कई देखा है, कई कुंडलियाँ ऐसी देखी है कि उनके पास पैसे तो है लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन खुद का घर नहीं होता, तो उनकी जो इच्छाएं होती है वो अधूरी होती है। या फिर ऐसे भी कुंडलियां देखी है कि जिनके जो कमाई होती है बहुत कम होती है, उन्हों वो जो लोग होते हैं वह सोचते भी नहीं कि उनका घर होगा, लेकिन कई ऐसे बातें होती है जिसकी वजह से उनका खुद का घर हो जाता है। तो ऐसे कौन से योग है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि आपका खुद का घर होगा ज़रूर? तो अगर आपकी मिथुन राशि है या फिर आपका मिथुन लग्न है और आपके कुंडली में चंद्र और बुध की युति है, जी हाँ, अगर इन दोनों ग्रह की युति है तो फिर आपके 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 जीवन में आपका खुद का घर होना, खुद के मालकियत का घर होना, ये बात सहज प्रत्यक्ष रूप में आ सकती है। अब हम देखेंगे कि युति माने क्या। ये जो दो ग्रह है चंद्र और बुध, हालांकि सभी ग्रह सभी के कुंडली में होते हैं, टोटल 12 ग्रह होते हैं, हर्षल नेपच्यून प्लूटो का ग्रह पकड़े तो टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो मापदंड होता है वो अंश के ऊपर आधारित होता है, या फिर जिसे डिग्री भी कहा जाता है। तो अगर ये दोनों जो ग्रह है चंद्र और बुध, ये दोनों ग्रह आपके कुंडली में, मतलब मिथुन राशि हो या फिर मिथुन लग्न है, तो आपके कुंडली में ये दोनों ग्रह एक ही डिग्री पे है या फिर एक ही अंश में है, या फिर इनमें 4-5 डिग्री का अंतर भी है, तो भी इसे युति योग कहा जाता है। तो अगर यह युति योग आपके कुंडली में है और किसी भी खाने में है, हालांकि हर कुंडली में टोटल 12 खाने होते हैं, जिसे घर भी कहा जाता है, तो किसी भी घर में ये अगर युति योग है इन दो ग्रहों का, तो भी आपके लिए खुद का घर होना, खुद के मालकियत का घर होना, यह जो बात है बहुत ही सहजतापूर्वक सफल हो सकती है। उसके लिए किसी भी प्रकार के उपाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली में जो बात है वो आपको मिलेगी ज़रूर। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके कुंडली में योग है तो उसका भोग भी मिलेगा। उसके लिए किसी भी प्रकार की पूजा, कर्मकांड या फिर जप जैसे हम बोलते हैं करने की, किसी भी प्रकार के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपके कुंडली में ऐसा योग है तो फिर आपका जो घर होगा वह कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आपकी जो कुंडली है वो देखनी आवश्यक होती है। लेकिन मैं आपको एक बात तो पूरी तरह से एश्योर करना चाहूँगा कि अगर आपके कुंडली में ये योग है तो आपको वो आपका आपका जो घर है खुद के मालकियत का वो मिलेगा ज़रूर। कर कई बार आपने ये भी देखा होगा, कई ऐसे जो लोग होते हैं जिनका घर होता है, जी हाँ, जिनका घर होता है लेकिन वो गाँव में होता है, या फिर घर भी होता है लेकिन वो उसका उपभोग नहीं ले पाते। तो ऐसी भी बात इस अगर ये कुंडली में योग है तो ऐसी बात नहीं होगी, आपका खुद का घर भी होगा और आप उसका उपभोग भी ले पाओगे। तो अगर आपके कुंडली में ऐसा योग है तो मान के चलिए आपका खुद का घर होगा, चाहे वो महानगर में हो या फिर किसी और जगह, आपका खुद का घर भी होगा और आप उसका उपभोग भी ले पाओगे। अब इसमें दूसरी भी एक बात आती है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी मैं तो खुद का घर होना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद की जो बात होती है कि अगर आपका खुद का घर तो हो गया लेकिन उसमें सुख शांति मिलेगी कि नहीं, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसके लिए भी कुछ अलग ग्रह योग होते हैं। अगर वो ग्रह योग भी आपके कुंडली में है तो आपको सुख शांति भी मिल सकती है। हालांकि इसके संदर्भ में अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति आपको मिलेगी या नहीं, या फिर आपका खुद का घर है लेकिन उसमें सुख शांति है या नहीं, उसके बारे में, आपके कुंडली के बारे में ऐसे कौन से योग है अगर आप जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे लिखना, जिसके आगे की जो बात है, मतलब सुख शांति मिलने की जो बात है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों,
ये था मिथुन राशि के लिए या फिर मिथुन लग्न हो आपका, तो ऐसे कौन से योग है जिसकी वजह से आपका खुद का घर होना, ये जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है, उसके बारे में चर्चा। आपके ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया है, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।